हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास दो क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि क्षारसूत्र के बाद पैदल चल सकते हैं कि नहीं, और सर क्षारसूत्र में दर्द होता है कि नहीं। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर हम एक साथ देने वाले हैं। आज का हमारा विषय ये रहेगा, क्षारसूत्र बंधन के पश्चात हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए ताकि हमें क्षारसूत्र बंधन के बाद हमें दर्द ना हो, हमें ज़्यादा पस ना बने, तीसरा हमारा ये जल्दी ठीक हो जाए, और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें दोबारा न बने। क्योंकि फिस्टुला यानी भगंदर ही एक ऐसी हमारे शरीर में होने वाली बीमारी है जिसमें कई बार सर्जरी कराने के बाद भी हमें दोबारा होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसा हम क्या करने वाले हैं, आज हमारे साथ 8 डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पे साथ में हैं। हमने सोचा कि इस क्वेश्चन का आंसर हम डॉक्टर के साथ मिलकर देते हैं। ये हमारे डॉक्टर्स की टीम है जो हमारे साथ क्षारसूत्र मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पे एनोरेक्टल डिजीज पे। तो क्षारसूत्र बंधन के पश्चात हमें क्या करना चाहिए कि हमें दर्द ना हो, हमें पस ज्यादा ना बने, जो हमारा केस जल्दी ठीक हो जाए और दोबारा ना बने। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, खूब सारा पैदल चलना है और अपने जो फिस्टुला ट्रैक है उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्यादा पैदल चलें और साफ सफाई का ध्यान रखें। आपका फिस्टुला कैसा भी होगा, ईश्वर कृपा रहेगी तो आपका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, और ये जो दर्द होता है, जो पस आता है फिस्टुला में, जो जल्दी नहीं ठीक होता, जल्दी ठीक हो जाएगा, दोबारा नहीं बनेगा। तो पहले हम समझते हैं कि फिस्टुला होता क्या है और पैदल चलने से और साफ सफाई से कैसे हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप इसका सही से ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके साथ क्या होने वाला है आप देख लीजिए। जैसे ये हमारा रेक्टम होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टम है जिसमें इसको बोलते हैं रेक्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं मलाशय, यानी मल का आशय, जहाँ पे हमारा मल आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। जब हम सुबह लैट्रिन जाते हैं तो ये एनल कैनाल के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे हमने दो पिक्चर शो किया है, एक में फिस्टुला ट्रैक यहाँ पे दिखाया है, एक फिस्टुला ट्रैक हमने यहाँ भी दिखाया है, एक में हमने दिखाया है कि फिस्टुला ट्रैक के अंदर होता क्या क्या है, और एक में दिखाया है कि क्षारसूत्र बांध दिया हमने। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हमें फिस्टुला हुआ है तो हमारे फिस्टुला ट्रैक में क्या क्या होता है और पैदल चलने से कैसे ये ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हमारे शरीर में जो हमारा, जब हम मल तय कर जाते हैं, जब हमारा एनल कैनाल में ये मल पहुंचता है तो जो फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग होती है, फिस्टुला में दो ओपनिंग होती है, एक इंटरनल जो कि एनल कैनाल के अंदर होती है, रेक्टम में होती है, एक एक्सटर्नल होती है जो कि यहाँ पे पेरिनल स्किन पे होती है, यानी बाहर की तरफ होती है, जो हम लोग देखते हैं कि हाँ हमारे शरीर से यहीं से पस आ रहा है। तो हम जब सुबह लैट्रिन जाते हैं तो इसमें लैट्रिन के कुछ टुकड़े इसके अंदर चले जाते हैं। तो ये क्या है, जब लैट्रिन के कुछ टुकड़े हमारे शरीर में चले जाएंगे तो ये क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करेगा। जैसे एग्जांपल में आपके शरीर पे एक घाव हो जाए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई कट लग गया या कोई फोड़ा फुंसी था, हमने इसमें धूल मिट्टी भर दी, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमारा फोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, रोज साफ सफाई करते हैं, इसको ड्रेसिंग करते हैं ताकि ये जल्दी से हमारा साफ ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल पड़ा रहेगा तो आपका घाव हील नहीं करने देगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, अगर आपके फिस्टुला ट्रैक में अगर स्टूल यानी मल के टुकड़े चले गए हैं, जब तक ये शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे आपका फिस्टुला ट्रैक जल्दी नहीं हील होगा। आपको पता है कि जो आपका स्टूल होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे क्लेप्सला होता है, जैसे ईकोलाई होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्टेफलोकोकस होता है, और भी ऐसे कई बैक्टीरिया होते हैं जो आपके यहाँ पे फिश मल के साथ यहाँ पे आ जाते हैं। और ये जितने भी बैक्टीरिया ज्यादातर होते हैं सब एनरोबिक होते हैं, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन लाइव, मतलब ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जिंदा रह सकते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ इसमें ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ ग्राम निगेटिव भी होते हैं। और तीसरी क्या चीज होती है, जो आपका फिस्टुला ट्रैक होता है ये अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू से लाइंड होता है। कभी आप फिस्टुला ट्रैक के अंदर आप देखेंगे तो जैसे लगता है कि एक पॉलीथीन टाइप के एक स्ट्रक्चर उसके अंदर है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर उसके अंदर पड़ा होता है, जो उसकी इनर लेयर होती है वो अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू से लाइंड होती है। और चूंकि वहां पे स्टूल है, बैक्टीरिया है, तो आपको पता है वहां तो पस बनेगा ही बनेगा, पस के साथ साथ वहां डेब्रीज होती हैं, यानी जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, जो डेड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की, वो सब यहाँ पे इकट्ठा रहती हैं। आप सोचिए एक छोटा सा बेचारा फिस्टुला ट्रैक और उसमें इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं तो कैसे फिस्टुला ट्रैक आपका ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि फिस्टुला कभी भी खाने वाली या कोई भी लगाने वाली औषधियों से जल्दी ठीक नहीं होता। तो क्यों, क्योंकि आपके फिस्टुला ट्रैक में इतनी सारी चीजें पड़ी होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप पैदल नहीं चलेंगे, मान लेते हैं बैठ गए एक जगह, तो बैठेंगे क्या होगा, यहाँ पे हमने बैठने वाला पिक्चर बनाया थोड़ा पास में, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये मैं हूँ और मुझे फिस्टुला हुआ है और मैं एक कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ,
हम एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सोचिए कि हमने इनको इस जो इतना हिस्सा है उसको हमने निकाल के यहाँ पे आपको दिखाया, ये इतना बड़ा दिखेगा। अगर हम एक कुर्सी पे बैठ जाएंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कुर्सी पे बैठ गए, तो क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है फिशुला की, ये क्या है, ये है एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग, तो क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब आपका एक्सटर्नल ओपनिंग बंद हो जाएगा तो जो ये स्टूल है, बैक्टीरिया है, अनहेल्दी टिश्यूज हैं, पस सेल्स, डेब्रीज हैं, वो क्या आपके शरीर से बाहर आएंगी, आपके शरीर से बाहर नहीं आएंगी। अगर ये आपके शरीर में पड़ी रहेंगी तो ये और नया ब्रांच बनाएगी। आपने आपने देखा होगा कई बार हमारे शरीर में फिशुला में, जैसे एक मैं आपको पिक्चर बनाता हूँ, अगर मान लेते हैं ये हमने यहाँ से इसको ब्लॉक कर दिया, हम एक जगह बैठे थे और ये ब्लॉक हो गया, एक्सटर्नल ओपनिंग क्या हो गई, ये बिल्कुल क्लोज हो गई। अब क्या होगा, एक्सटर्नल ओपनिंग क्लोज हो गई, जब ये एक्सटर्नल ओपनिंग आपकी क्लोज हो जाएगी तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ पड़े थे वो क्या आपके शरीर से बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो ये एक नया रास्ता बनाना शुरू कर देगा। कहते हैं ना फिशुला में फिर एक नई ओपनिंग बनना शुरू हो जाएगी। मान लेते हैं ये भी क्लोज हो गई तो एक यहाँ पे फिर एब्सेस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो फिशुला अभी केवल एक ट्रैक था उसमें मल्टीपल ट्रैक बनना शुरू हो जाएंगे, उसमें कोई एब्सेस या कोई कैविटी भी एसोसिएट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपने हम लोग देखते हैं, अगर 100 फिशुला के पेशेंट हम लोग देखते हैं, 100 के 100 में कोई जरूरी नहीं एक ही ट्रैक मिले, कई में उसमें रेमिफिकेशन मिलते हैं, ब्रांचिंग मिलती है। कई ऐसे फिशुला होते हैं जिसमें कैविटी यानी एब्सेस के साथ एसोसिएशन होता है, कई बार एक छेद नहीं कम से कम 40-40 ओपनिंग या 10-10 ओपनिंग हमें बाहर मिलती है, एक्सटर्नल ओपनिंग। क्यों, क्योंकि बाहर की ओपनिंग बंद होने की वजह से जो फिशुला ट्रैक के अंदर जो भी यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल पड़े थे या जो भी पड़ा था वो पस बनाता है, और पस अपना एक नया रास्ता बनाने की कोशिश करता है ताकि हमारे शरीर से वो बाहर निकले। तो ये होता है जब हम एक जगह बैठ जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा पैदल चलने से क्या फायदा होगा, पैदल चलने से फायदा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रेनेज बना रहेगा, यानी जो आपके शरीर में यानी फिशुला ट्रैक में पड़ा हुआ है वो आपके शरीर से लगातार बाहर निकलता रहेगा, और जब बाहर निकलता रहेगा तो आपका जो फिशुला ट्रैक है वो जल्दी जल्दी हील होता रहेगा। जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, मान लेते हैं हमारे शरीर में एक फोड़ा था, मान लेते हैं हमें यहाँ पे एक फोड़ा छोटा सा बना या फुंसी बन गई, तो हम लोग क्या करते हैं उसको दबाते हैं, दबा के उसका सारा पस क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, और कुछ दिन बाद वो अपने आप हील हो जाता है। अगर उसको नहीं दबाएंगे, पस अगर आपके बॉडी में इकट्ठा रहेगा तो वो आपके बॉडी में दूसरी जगह पर ट्रेवल करने की कोशिश करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएगा तो यहाँ पे जो फोड़ा या फुंसी थी वो अब यहाँ भी बन सकती है। तो इसलिए हमारे बॉडी में कोई भी जब फॉरेन पार्टिकल पड़ा होता है तो उसको ड्रेनेज मिलना चाहिए ताकि वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, और जब तक निकलेगा नहीं वो आपका कोई भी चाहे छोटी सी फुड़िया फुंसी हो वो भी ठीक नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिशुला में ड्रेनेज होना। अब क्या है, ड्रेनेज रहेगा तो जो भी आपके शरीर में ये सब ये स्टूल, बैक्टीरिया, अनहेल्दी टिश्यूज, पस या डेब्रिज जो यहाँ पड़े हैं वो आपके शरीर से धीरे धीरे क्या होगे, निकलते रहेंगे। और सबसे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड सर्कुलेशन। जब आप पैदल चलते हैं तो आपके शरीर में चाहे वो सर हो, चाहे आपका बॉडी ये ट्रंक हो, और चाहे आपका एक्सट्रीमिटीज हो, यानी सर ये धड़ और पैर सब जगह ब्लड सर्कुलेशन एक जगह रहेगा, एक जैसा चलेगा। अगर आप पैदल चलते हैं, इमेजिन करिए आप एक जगह बैठे हुए हैं तो इस एरिया में ब्लड सप्लाई क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि आप उसी पे जब बैठे रहेंगे तो ब्लड वेसल में क्या होगा, दबाव उत्पन्न होगा, दबाव उत्पन्न होगा तो ब्लड वेसल क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, और ब्लड सर्कुलेशन कम यहाँ पहुंचेगा तो अगर कहीं किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंचेगा तो वहाँ पे हीलिंग नहीं होगी ज्यादा, हीलिंग प्रक्रिया में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आएंगे तो हीलिंग जल्दी नहीं होगी। तो इसलिए पैदल चलिए जितना हो सके, कम से कम हम लोग तो अपने पेशेंट से बोलते हैं भाई 4-5 किलोमीटर पैदल चलिए, ब्रिस्क वॉक हम बोलते हैं, पैदल चलें लेकिन तेजी से चलें, इससे ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगा, ड्रेनेज बनेगा। तो आपका जो क्वेश्चन था कि पैदल चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, मुझे लगता है आप इससे लगभग समझ गए होंगे पैदल क्यों चलना चाहिए। तो पैदल चलने से ड्रेन बना रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। अब आती है बात साफ सफाई। साफ सफाई क्या है कि हम फिशुला ट्रैक को कैसे साफ रखें, क्योंकि इसमें एक एक्सटर्नल ओपनिंग हो बाहर, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे जो डिस्पोजिंग जो होती है इसमें चाहे जैतैक तेल ले लेते हैं या कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू हम पेशेंट या अकॉर्डिंग टू डिजीज
मतलब यहाँ पे हमें जो लगता है कि भाई इसमें क्या इसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, उसके हिसाब से हम कोई भी एक सोल्यूशन इसमें हम एडवाइस करते हैं। इसमें क्या कर ऐसे भरते हैं और फिशुला ट्रैक में ऐसे डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो स्टूल के पार्टिकल इंटरनल ओपनिंग से आपके फिशुला ट्रैक में इंटर कर गए हैं, जब यहाँ पे हम लिक्विड यहाँ पे पुश करेंगे तो ये सारा लिक्विड, ये जो इंटरनल ओपनिंग में जो गंदगी आई थी वो वापस एनल कैनाल में जाएगी और आपके बॉडी में एनल वर्स के थ्रू बाहर चली जाएगी। तो सुबह शाम फिशुला ट्रैक को क्लीन करने से ना तो वहाँ पे स्टूल के पार्टिकल ज़्यादा रुकते हैं, ना वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा स्टे करेगा, बैक्टीरिया स्टे नहीं करेगा तो इन्फेक्शन का कारण नहीं बनेगा, और जो पस यहाँ पे बन रहा था भी किसी भी कारण जब वो स्टे नहीं करेगा तो आपका फिशुला ट्रैक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे दबा देते हैं तो जो एब्सेस का पस निकलने से हमारा एब्सेस ठीक हो जाता है, उसी तरह जब यहाँ पे आपका फिशुला ट्रैक बिल्कुल क्लीन रहेगा तो आपका फिशुला ट्रैक जल्दी जल्दी हील हो जाएगा। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि आपके फिशुला ट्रैक में वहां पे छारसूत लाइगेट किया गया था, ये आपका फिशुला ट्रैक था और यहाँ पे छारसूत, क्योंकि बात तो हो रही है छारसूत बंधन के बाद, ये तो नॉर्मल फिशुला ट्रैक था, अगर छारसूत बंधन के बाद हम अगर ये काम करते हैं तो आपका फिशुला ट्रैक जल्दी हील कैसे होगा, क्योंकि छारसूत्र के अंदर जो दवा होती है, जैसे स्नोही छीर होता है, अपामार्ग होता है और हल्दी की कोटिंग होती है, ये जो शास्त्र के अनुसार जो छारसूत बनाया जाता है, जो छार होता है हमारे छारसूत में उसका तीन काम होता है, एक सीजन, इन सीजन और स्क्रैपिंग, यानी छेदन, भेदन और लेखन, यानी जो फिशुला ट्रैक को काटने का काम, इनसाइज करने का काम, काट के निकालने का काम, और यहाँ पे स्क्रैपिंग यानी उसको खुरच खुरच के जो अनहेल्दी टिश्यू थे उसको निकाल दे, तो ये काम क्या करता है छारसूत। अब जब यहाँ पे अभी तो ऑलरेडी इतनी चीजें यहाँ पड़ी थी, स्टूल था, बैक्टीरिया था, अनहेल्दी टिश्यू थे, पस था, अब छार की वजह से जो यहाँ पे और डेब्रीज बनेंगी, जो यहाँ पे और डेड टिश्यू बनेंगे, जो यहाँ पे और हेल्थ टिश्यूज कटेंगे, वो भी तो निकलने चाहिए, तो इससे क्या होगा कि आपका ड्रेनेज ज़्यादा मिलेगा, जितना ज़्यादा ड्रेनेज अच्छा रहेगा उतना जल्दी फिशुला जल्दी ठीक हो जाता है। इसी तरह मॉडर्न में भी देखा जाए, सेटान लाइगेशन करते हैं, सेटान प्लेसमेंट करते हैं, आप गूगल पे पढ़िएगा सेटान प्लेसमेंट क्या होता है, उसमें दो प्रकार के सेटान यूज़ करते हैं, एक टाइटली यूज़ करते हैं कटिंग के लिए और एक नॉर्मल लाइगेट कर देते हैं ड्रेनिंग के लिए। तो ड्रेनिंग का पर्पज चाहे वो मॉडर्न सर्जरी मॉडर्न में देख लीजिए सेटान प्लेसमेंट में, और चाहे आयुर्वेद में देख लीजिए छारसूत लाइगेशन में, दोनों में एक ही प्रोसेस है, ड्रेन बना के रखना, जितना ज़्यादा ड्रेन रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं रुकेगा, उतना जल्दी हमारा फिशुला ट्रैक ठीक होगा। थैंक यू। अगर आपके भी मन में कोई भी क्वेश्चन होता है, चाहे फिशर हो, चाहे पाइल्स हो, या फिशुला कोई भी बीमारी एनरोटर में, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेडिकली थोड़ा सा ये समझा पाऊँ। थैंक यू।